हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारे वेज बताने वाला हूँ जिससे आप लोग पबजी कोरिया वर्जन में स्क्रैप कूपन्स ले सकते हैं, पबजी के क्लासिक के एंड प्रीमियम स्क्रैप कूपन और साथ ही में क्रेडिट्स भी। अगर आप लोगों को पबजी कोरिया वर्जन से रिलेटेड और भी वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप में से कुछ लोगों को तो ये कुछ वेज पहले से ही पता होंगे, बट मोस्टली लोगों को नहीं पता होते हैं, इसलिए ही मैं इस पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो हम पहले वे के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो वे होता है ये सबके पास होता है, साइन इन इवेंट। यहाँ से आप लोगों को वीकली रिवॉर्ड्स मिलते हैं, प्रीमियम एंड क्लासिक स्क्रैप कूपन्स वेडनेसडे एंड थर्सडे को। इसके अलावा इवेंट से हमें, और हाँ, ये गिफ्ट बॉक्सेस भी मिलते हैं हम लोगों को, या उसे हमें डोंकास्टर मेडल या फिर स्क्रैप कूपन मिलते हैं। इसके अलावा हमें इवेंट्स में से स्क्रैप कूपन्स मिल जाते हैं। अभी ये इवेंट चल रही है, यहाँ से आप लोगों क्लासिक के एंड पबजी के 15-15 स्क्रैप कूपन मिल रहे हैं। इसके अलावा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन इवेंट चल रही है, यहाँ से भी आप लोगों को स्क्रैप कूपन्स मिल रहे हैं पबजी के एंड क्लासिक के। इसके अलावा आपने अगर ये वाली इवेंट कंप्लीट कर लिए तो एक भी रिकॉल कर लिया तो आप लोगों को स्क्रैप कूपन मिल गए होंगे। एंड देन इसके बाद में ये वाली इवेंट चल रही है अभी, यहाँ से आप लोग 2 क्लासिक क्रेड्स ले सकते हैं। इसके अलावा लॉगिन इवेंट भी चल रही है तो वहाँ से भी आप लोगों को स्क्रैप कूपन्स मिल रहे हैं। अभी ये इवेंट चल रही है, अगर आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो कोई और, ये वाली वीडियो देखेंगे तो कोई और इवेंट्स चल रही होंगी, तो वहाँ से भी आप लोग को स्क्रैप कूपन्स मिलेंगे। इसके अलावा हमें मिशंस में से स्क्रैप कूपन्स मिल जाते हैं, क्रेट भी मिल जाती है। जैसे जैसे आप मिशन कंप्लीट करते जाएंगे आपको यहाँ से रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे। इसके अलावा रिकॉल इवेंट में से भी हमें मिलते हैं, अगर आपने रिकॉल कर लिए तो आप लोगों को क्रेट्स मिल गई होंगी। एंड जो रिडीम शॉप है इसमें से भी आप लोग को अच्छे नंबर में स्क्रैप कूपन मिल रहे हैं, 30 पबजी के मिल रहे हैं, 20 क्लासिक के, 10 प्रीमियम के। रिकॉल टोकन से आप लोग ये वाले स्क्रैप कूपन्स रिडीम कर सकते हैं, और भी इसमें अच्छे रिवॉर्ड्स हैं। यहाँ से जो आप रिवॉर्ड रिडीम कर सकते हैं ना, ये पर सीज़न है, यानी इस सीज़न ये वाले सारे रिवॉर्ड्स रिडीम कर लेंगे देन नेक्स्ट सीज़न आप लोग इसमें से रिडीम कर पाएंगे दोबारा। इसके अलावा हमें रॉयल पास से भी रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, स्क्रैप कूपन, इवन क्रेडिट्स भी। अगर आपने अपग्रेड किए तब भी मिलेंगे, नहीं किए तब भी मिलेंगे। सो आप देख सकते हैं अच्छे नंबर में यहाँ से भी हमें स्क्रैप कूपन्स मिल जाते हैं। हमने ये कलेक्ट कर लिए। एंड देन इसके अलावा नेक्स्ट जो वे है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद में जो वे है वो है क्लैन। अब क्लैन शॉप में भी इन लोगों ने स्क्रैप कूपन्स ऐड कर दिए। यहाँ से आप लोग वीकली 3 स्क्रैप कूपन्स ले सकते हैं, क्लासिक के, एंड 1 ले सकते हैं आप पबजी का। नेक्स्ट वीक दोबारा रिडीम कर पाएंगे आप लोग क्लैन टोकन से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपने क्लैन मेंबर के साथ में खेलते हैं तो डेली 2 पबजी स्क्रैप कूपन्स ले सकते हैं, और मिशन कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों को वीकली ऊपर वाले रिवॉर्ड मिलेंगे, और डेली क्लैन मिशन जो दे रखे हैं ना वो 15 मेंबर्स कंप्लीट करते हैं तो वहाँ से भी रिवॉर्ड मिलेगा। और इसके अलावा क्लैन बैटल वे, यहाँ पे अगर आप लोग क्लैन बैटल विन करते हैं तब भी आप लोगों को क्रेट मिलती है, एंड डेली विन करते हैं तो वहाँ से भी आप लोगों को स्क्रैप कूपन मिलते हैं, ठीक है। डेली विन करने पर भी हमें क्लासिक स्क्रैप कूपन दिए जाते हैं। इसके अलावा हमें सीज़न में से बहुत सारे स्क्रैप कूपन्स मिलते हैं, डिपेंड करता है आपकी रैंक के ऊपर। लाइक लास्ट सीज़न जितनी आपकी रैंक होगी तो इस सीज़न आप लोग को रिवॉर्ड्स मिल गए होंगे, और इस सीज़न जितनी रैंक होगी वो उसके हिसाब से आप लोग को नेक्स्ट सीज़न इसके रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। देख सकते हैं आपको यहाँ पे पबजी के स्क्रैप कूपन, क्लासिक के स्क्रैप कूपन्स, बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं इसमें। नेक्स्ट जो वे है वो है करेक्टर। करेक्टर जब हमारा लेवल 10 हो जाता है उसके बाद में जितनी भी आप पॉइंट्स इंक्रीज करेंगे ना तो उसके हिसाब से हमें बॉक्स मिलता है जिसमें से हमें स्क्रैप कूपन मिल जाते हैं, और सभी करेक्टर से हमें बॉक्स नहीं मिलता, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। सारा का यूज़ कर रहे हैं वहाँ से मिलेगा। अगर आपके पास में कोई भी करेक्टर नहीं है तो आप वेक्टर को लेवल 10 कर लीजिएगा, उसके बाद में जितने भी पॉइंट्स आपके इंक्रीज होंगे ना बॉक्स मिलेगा, बॉक्स में से आप लोगों को स्क्रैप कूपन्स मिलेंगी। मैंने जैसे बताया आप लोगों को सारे करेक्टर्स पे बॉक्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। एंड देन इसके बाद में है हमारा चेयर पार्क।
चेयर पार्क में आपको जाना है एंड देन इसके बाद में शूटिंग रेंज पे जाना है और डेली रिवॉर्ड्स मिलेंगे आप लोग को यहाँ से और 30 पॉइंट्स आपको शूटिंग रेंज में करनी है, ठीक है। फिर आप लोग को यहाँ से डेली डेली एक स्क्रैप कूपन मिलेगा, वो भी पबजी का। देख सकते हैं आप लोग, मैंने पॉइंट्स कर लिए और मेरे को ये वाला एक स्क्रैप कूपन मिल गया है। देन कल मैं आऊँगा दोबारा पॉइंट्स करूँगा तो मेरे को डेली यहाँ से स्क्रैप कूपन मिल जाएंगे और आप भी कलेक्ट कर सकते हैं इस वे से। नेक्स्ट जो वे है वो है ब्रदर्स इन आर्म। यहाँ पे हमें डेली मिशन एंड वीकली मिशन देखने के लिए मिलते हैं, दोनों से हमें स्क्रैप कूपन मिलते हैं। डेली डेली आप कंप्लीट करेंगे तो आप लोग को यहाँ से फर्स्ट वाले मिशन में से स्क्रैप कूपन्स मिलेंगे, वीकली का वीकली के हिसाब से मिलेंगे आप लोग को स्क्रैप कूपन्स। इवन नीचे जो मिशंस दे रखे हैं ना, वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स मैचेस कंप्लीट करेंगे तब भी आप लोग को यहाँ से स्क्रैप कूपन्स मिलेंगे। सो ये वीकली एंड डेली का हिसाब है इसमें। एंड इसके अलावा हमें जो स्क्रैप कूपन्स मिलते हैं, नेक्स्ट वे है ऑल टैलेंट चैम्पियनशिप। इसके रिडीम स्टोर में चले जाइएगा, वहाँ पे भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे स्क्रैप कूपन्स। ये ऑल टैलेंट चैम्पियनशिप के जो टोकन्स होते हैं ना, उससे रिडीम कर सकते हैं यहाँ से। ये है क्लासिक का स्क्रैप कूपन। इसके अलावा आप लोग को जो बॉक्स दे रखा ना, वहाँ से भी स्क्रैप कूपन्स मिल सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी क्लासिक के स्क्रैप कूपन्स ऐड कर रखे हैं इन लोगों ने। इसके बाद में जो नेक्स्ट वे है, जिस नेक्स्ट वे से ये बॉक्स भी आप लोग ऑल टैलेंट चैम्पियनशिप के टोकन से ही ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वे है वो है ये रिसोर्स पैक डाउनलोड कर लेना फर्स्ट वाला, उसके बाद में आप लोग को ये वाली क्रेट मिलेगी, यहाँ से भी आप लोग को क्लासिक के स्क्रैप कूपन्स मिल सकते हैं। ये हर सीज़न मिलते हैं, ठीक है। डाउनलोड कीजिए, उसके बाद में अगर आपको स्पेस की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसे डिलीट कर दीजिएगा, बस इतना कीजिए। एंड इसके बाद में लास्ट जो वे है ना, वो इन टोकन्स है। आपको इवेंट शॉप पे क्लिक करना है एंड देन वो टोकन्स में आप लोग को एक पबजी की क्रेट मिल जाती है। सो ये भी बहुत अच्छा वे है जिससे आप लोग क्रेट ले सकते हैं। सो गाइस, यही वे थे फ्री वे जिससे आप लोग पबजी कोरिया वर्जन में क्लासिक पबजी एंड प्रीमियम स्क्रैप कूपन्स ले सकते हैं टोटली फ्री में। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर एंड बाय बाय।